आपका चैनल रिंकू सराजी की, प्लीज सब्सक्राइब करिए सारे, थैंक यू। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की सुबह फिर से बहुत ज़्यादा लेट हुई है, लेकिन आज सुबह होते ही हम करने वाले हैं ब्रेकफास्ट। ये देख लो पोहा, तो भाई ने पोहा पकड़ा दिया मुझे, बोले ब्रेकफास्ट कर ले क्योंकि तू काफ़ी लेट खाना खाता है। तो ऑलरेडी मैं बहुत पतला हो चुका हूँ, तो खाना नहीं खाएंगे तो और भी ज़्यादा पतले हो जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो लास्ट वीडियो एडिट हो चुकी है बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से। और ये रही आज की माफिया लुक, ये देख लो। और ये रहा आज का लंच ब्रेकफास्ट दोनों ही, जो कि हमने करीब 12 बजे के करीब किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। रिक्शा में बैठ के अलग ही फील आ रहा है, ऐसा लग रहा है यार उड़ रहे हैं, बाय गॉड बिल्कुल ना हवा में जा रही है यार। यार मैंने सोचा था कि मैं दिल्ली चला जाऊंगा, लेकिन वहाँ पे क्राफ्ट मेला करके था कुछ, मेरे को बताया मेरे दोस्तों ने, लेकिन यार मैं नहीं जा पाया। और इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि फ़ोन टूट गया, सो नेगेटिव सा हो गया थोड़ा। तो मैं सोच रहा हूँ यार अभी ना जम्मू चल ही लेते हैं। तो वैसे मेरा प्लान था जम्मू जाने का, तो अभी मैं जम्मू के लिए निकल रहा हूँ। पहले जाऊंगा मार्केट, थोड़ा कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, जो भी शॉपिंग करके आपको दिखा दूंगा। उसके बाद मैं कोई कैब वगैरह कर लूंगा। इस वक्त अभी मैं चंडीगढ़ में ही हूँ, 3 दिन से मैं यहीं पे रुका हुआ हूँ यार। फाइनली मैं जो कि अपना स्टे था सोहाना में, तो वहाँ से अभी निकल चुका हूँ। हम जाएंगे अब जम्मू, तो जम्मू में ही जाके आपको दिखाएंगे कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो रात को निकलूंगा मैं, रात की गाड़ी यहाँ से लेके रात को निकल जाऊंगा। पीछे से शायद सनलाइट पड़ रही है। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ से सीधा सेक्टर 17 जाएंगे, जो कि सेक्टर 17 भी कहते हैं। तो वहाँ पे क्या होने वाला है आपको आगे इस वीडियो में ही पता चलेगा, तो चलो चलते हैं। तो ये रहा गाइस अपना सेक्टर 17, सेक्टर 17 बिल्कुल हम पहुंच चुके हैं इस वक्त, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह। और सेक्टर 17 मैं तब से जानता हूं जब मैंने पहली बार ये गाना सुना था, मेरे यार 17 सेक्टर दे कुछ देसी जे कुछ एक्टर जे। गाइस सेक्टर 17 में हमें कुछ हेलियाँ देखने को मिला है, फ्लैज नहीं जा रही है यहाँ पे, गंदगी से आज़ादी। तो हम यहाँ पे अपने चैनल का सिग्नेचर कर रहे हैं। तो आप लोग भी फ्लैश लो गंदगी से आजादी की। तो गाइस मैं आपको अच्छे से नहीं बता पाया, तो ये मैम मिले हैं, ये बताएंगे आपको प्लीज। हम चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से एज अ वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोगों को अवेयर करने आए हैं सेक्टर 17 में, लाइक जैसे लोग है जो गीला कूड़ा कूड़ा अलग नहीं करते हैं। तो लास्ट ईयर क्या हुआ कि चंडीगढ़ की रैंकिंग बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई है। अब हमने थोड़े टाइम पहले यही चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट जो कि आप पीछे देख रहे हैं, ये मतलब प्रोग्राम स्टार्ट किया, लोगों के घर घर जाके डोर टू डोर सर्वे करके कैंपेन करके मतलब दिखा रहे हैं सबको कि हाँ अवेयर हो, या फिर गीला कूड़ा कूड़ा अलग अलग करो, सफाई रखो अपने घर पे, बाहर सफाई रखो। थैंक यू। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो एक बार ना मेरे चैनल पे बता दो, लोग सब्सक्राइब नहीं करके जाते। ओ आपका चैनल रिंकू सराजी की, प्लीज सब्सक्राइब करिए सारे, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। जिससे हम आज के दिन थोड़ा सा और जुड़ गए हैं, और शायद इस सोच को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने देश से प्यार करते हैं तो हम एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं। वतन मेरे वतन,
गाइस सेक्टर 17 का हाल था कुछ ऐसा, आप लोगों ने देख ही लिया। ऐसा बताया जा रहा है कि सेक्टर 17 जो है अभी गंदा हो चुका है, पहले सफाई में नंबर वन पे होता था। सो इसीलिए वहाँ पे जो है ना मींस स्वच्छता के रिलेटेड, क्लीनलीनेस के रिलेटेड, वहाँ पे ये सब से साफ़ करने के लिए, सफाई में नंबर वन लाने के लिए वो लोग एफर्ट कर रहे हैं। साथ में आज भगत सिंह जी का जन्मदिन भी है, सो इसके रिलेटेड ही था, आपको दिखा चुके हैं हम। तो ऐसा था सेक्टर 17, हम वहाँ से अभी निकल चुके हैं, ज़्यादा देर वहाँ पे नहीं रुकेंगे क्योंकि रात हम जम्मू निकलने वाले हैं। सो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, लेट्स सी। तो ऐसा रहा ब्यूटीफुल सेक्टर 17। तो अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं 22 मार्केट के लिए, जिसे शास्त्री मार्केट भी कहा जाता है। तो रास्ते में हमें देखो किस तरह की येलो येलो फ्लावर्स की सजावट दिखी। सो हम थोड़ा शरीर को ठंडा करेंगे क्योंकि गर्मी सी लग रही है और काफ़ी टाइम से मैं वॉक भी कर रहा हूँ, तो थोड़ा शरबत पी लेंगे और इसके बाद आपको दिखाएँगे। इस वक्त हम शास्त्री मार्केट में ही खड़े हैं, तो ये रहा सामने शास्त्री मार्केट। तो आपको एक अमेजिंग चीज़ बताता हूँ, अगर आप शास्त्री मार्केट आते हैं बजट शॉपिंग करने, तो यहाँ से आपको सस्ता सेक्टर 19 में मिल जाता है, 19 की मार्केट में, सेक्टर 19 मार्केट चंडीगढ़, क्योंकि प्रोडक्ट सेम ही रहते हैं लेकिन प्राइस का काफ़ी डिफरेंस रहता है। अगर आप थोड़ा बार्गेनिंग वगैरह करेंगे तो ईज़िली आपको कम प्राइस में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, बट उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती। कुछ ज़्यादा यहाँ से शॉपिंग नहीं कर पाता हूँ मैं, जितनी बार भी यहाँ पे आया हूँ। तो इसके बाद हमने क्या कुछ शॉपिंग की, क्या किया, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। सो तब तक के लिए बाय, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।